माय चैनल। सो इन दिस सीरीज आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मी नाउ के लिप लाइनर्स का। मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक रिव्यू करें, क्यों ना लिप लाइनर का भी रिव्यू किया जाए। तो मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गई हुई थी तो मैंने अमेजोन से मैंने मी नाउ के लिप लाइनर परचेज किए थे। सो इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। बट रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक लिप सीरीज कर रही हूं जिसमें मैं मंडे टू संडे तक लिप से रिलेटेड लाइक लिपस्टिक और लिप लाइनर से रिलेटेड प्रोडक्ट की रिव्यू दूंगी। सो आज मैं लिप लाइनर का रिव्यू दे रही हूँ और ये मेरा लास्ट वीडियो है, इस सीरीज का ये मेरा लास्ट वीडियो है। सो आई होप आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस तरीके की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो ये मी नाउ एक इंडियन ब्रांड है, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। सो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, इसमें 12 शेड आते हैं। ये पूरा बॉक्स परचेज किया था मैंने। ये लिप लाइनर काफी मैंने इनके बारे में इंटरनेट पे देखा था कि काफी अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी परचेज करूं। इनका एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता, बट जब मैंने अमेजोन से परचेज किया था तो इनका जो प्राइस था वो 190 रुपीज था। सो आई थिंक 190 रुपीज में आपको 12 लिप लाइनर मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए। मैंने ये परचेज किया और मैंने इनको ट्राई किया, और मैंने जब ट्राई किया तो एक्चुअली में ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अभी भी मैंने सिर्फ अपने लिप्स पर जो है इसका एक शेड अप्लाई कर रखा है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं रेड कलर है, ये बहुत ही प्यारा रेड कलर है, और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते। द प्लस पॉइंट इज कि आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करते। खैर अभी मैंने आपको बॉक्स दिखा दी, इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से, काफी अच्छी डिसेंट पैकेजिंग है। अब मैं आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये है वो सारे लिप लाइनर्स, आप देख सकते हैं। उसमें काफी सारे शेड अवेलेबल है, लाइक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, न्यूड, पिंक, सारे शेड अवेलेबल है इसमें। इसके शेड काफी प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं ये बता दूं कि ये मी नाउ के सुपर मैट लिप लाइनर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये मैट है, आप देख सकते हैं। मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया, ये एक्चुअली में मैट है। ये कुछ इस तरीके से इनकी पैकेजिंग है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्रोडक्ट के बारे में, और ये इस तरीके से ये पेंसिल है। आप इसे शार्पनर से शार्प कर सकते हो इजिली, कोई भी नॉर्मल शार्पनर से शार्प कर सकते हो। ये काफी अच्छे लिप लाइनर है, मुझे पसंद आए, सो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ऊपर तो बहुत अच्छे से वर्क किए। पहले मैं इनका रिव्यू नहीं करने वाली थी, बट मैंने सोचा ये इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि ये कितने अच्छे लिप लाइनर्स हैं। काफी 190 रुपीज में इस पैकेजिंग के लिए, दोनों पैकेजिंग के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। अब बात करते हैं इसका प्राइस का। इसके 12 शेड है जो 190 रुपीज में मुझे मिले हैं, तो ये काफी रीजनेबल, अंडर 20 रुपीज आपको ये लिप लाइनर्स मिल जाते हैं, तो और क्या चाहिए। इनकी ये पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, और इसको शार्पनर से शार्प कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कुछ वेस्ट भी हो जाता है, बट यार अंडर 20 रुपीज इससे ज्यादा क्या चाहिए। और इसमें जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो 1.5 ग्राम मिलती है, तो अंडर 20 रुपीज 1.5 ग्राम्स, तो इसके लिए भी मेरी तरफ से थम्स अप है। इसका फॉर्मूला सुपर मैट है, बिल्कुल ड्राई नहीं करता, तो इसके लिए भी मेरी तरफ से थम्स अप है। तो ये लिप लाइनर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। अब इन लिप लाइनर्स को मैं अपने हैंड पर और अपने लिप्स पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो लेट्स स्टार्ट। Oh,
करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसके कलर्स काफ़ी प्यारे हैं। थर्ड, ये मैट लिपस्टिक है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो ये चार इसके बेसिकली इसके ये चार प्लस पॉइंट्स हैं, लाइक इसकी पैकेजिंग, प्राइस, इसका फॉर्मूला, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसके नेगेटिव पॉइंट में मुझे आई थिंक सिर्फ इसकी पैकेजिंग से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अगर ये पैकेजिंग और पर जनरली लिप लाइनर्स में इसी तरीके की पैकेजिंग आती है, तो इसको मैं नेगेटिव पॉइंट में नहीं डाल सकती। तो मेरे हिसाब से इन लिप लाइनर में कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे फील नहीं हुआ। ये काफ़ी मैट क्रीमी लिप लाइनर्स हैं, आप इनको एज अ लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ, ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, और मैं अपने फेवरेट शेड आपको बताना चाहूँगी। जो मेरे दो फेवरेट शेड हैं वो ये दोनों हैं। सो ये एक प्लम शेड है और ये एक रेड शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, इसके शेड काफ़ी प्यारे हैं, बहुत अच्छे से इनके। हाँ, मैं एक प्लस पॉइंट बताना भूल गई कि इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब आप एकदम स्मूथली इसको अप्लाई कर लेंगे अपने लिप्स पर और आपको ड्राई भी नहीं करेंगे और आपको मैट फिनिश भी देंगे। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। तो आई थिंक ये लिप लाइनर बहुत ही अच्छे, और इनका रिव्यू करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। तो आई थिंक आपको ये एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं ये बता दूं कि ये मी नाउ की सुपर मैट लिपस्टिक है, जिनकी सेकेंड जनरेशन, तो आप देख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की अगर मुझे लिंक मिलेगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इससे इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हों इस सीरीज़ के, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था इन लिप लाइनर्स के लिए। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर आप फ्यूचर में ऐसी सीरीज़ देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी सीरीज़ और देखना चाहते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो और जो मैंने ये सीरीज़ बनाई थी पसंद आई हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।